इस वक्त की बड़ी खबर की क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस एसएमएस आपात में मौजूद है। रामेश्वर ड्यूटी की हालत गंभीर बताई जा रही है और जल्द ही ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एयरपोर्ट से एयरलिफ्ट कर मेदांता अस्पताल गुरुग्राम रामेश्वर ड्यूटी को शिफ्ट किया जाएगा। तो अभी फिलहाल जो ताजा अपडेट आ रहा है, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस एसएमएस आपात इमरजेंसी में मौजूद है और रामेश्वर ड्यूटी की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो जल्दी ग्रीन कॉरिडोर बनाकर, ग्रीन कॉरिडोर यानी ट्रैफिक का व्यवस्था को किसी तरीके से मैनेज करके और ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से एयर लिफ्ट किया जाएगा और एयरपोर्ट से एयर लिफ्ट मेदांता अस्पताल सीधा रामेश्वर ड्यूटी को किया जाएगा। मेदांता अस्पताल गुरुग्राम में रामेश्वर ड्यूटी को शिफ्ट किया जाएगा। रामेश्वर ड्यूटी की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। रामेश्वर ड्यूटी को आपको बता दें, दो दिन पहले ब्रेन हैमरेज का अटैक आया था, मैसिव अटैक था। पहले वो मानसरोवर स्थित मंगलम हॉस्पिटल में एडमिट उनको किया गया था, उसके बाद एसएमएस हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था जहां उनकी ब्रेन की सर्जरी हुई, लेकिन तबीयत पे सुधार नहीं आ रहा है और हालत लगातार रामेश्वर ड्यूटी की क्रिटिकल बनी हुई है और इसीलिए अब रामेश्वर ड्यूटी को किसी भी वक्त एयरलिफ्ट कर मेदांता गुरुग्राम शिफ्ट किया जा सकता है। हमारे सहयोगी गौरव गौड़ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या ताजा अपडेट आ रहा है अभी फिलहाल एसएमएस हॉस्पिटल से, क्या जानकारी मिल रही है, कब एयरलिफ्ट किया जाएगा रामेश्वर ड्यूटी को? दो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस एसएमएस अस्पताल पहुंच चुकी है और उसी के साथ साथ पुलिस ने अपना, प्रशासन ने अपना मोर्चा संभाल लिया है। जितने भी रिश्तेदार जो भी मिलने वाले अंदर मौजूद थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया है और डॉक्टर्स की टीम अंदर अभी मौजूद है। साथ ही एक चीज और ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन कॉरिडोर जो शब्द है उसका मेडिकल साइंस में जब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी को तत्काल इलाज पहुंचाना हो, और यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि 15 मिनट का जो रास्ता है यहाँ से एयरपोर्ट तक का रहता है, पर ग्रीन कॉरिडोर बनाने के बाद यही रास्ता 4 मिनट के अंदर जो है पूरा किया जाएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अभी हालत स्थिर है और जितने भी वाइटल्स हैं वो पहले से ठीक बताए जा रहे हैं, स्टेबिलिटी बताई जा रही है। लेकिन यहाँ से वेदांता पहुंचाने के लिए अब कुछ चीजें हैं, जैसे कि एयरलिफ्ट होने के बाद और उस समय कौन सी यूनिट साथ जाएंगी, कौन से डॉक्टर साथ होंगे, कुछ यूनिट यहाँ से भी रेडी की गई है और ये देखना होगा कि यूनिट वहां से आती। साथ ही यहाँ पर पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौजूद हैं और ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। जी बिल्कुल, तो पूरी जी यहाँ पे आप देखेंगे दो क्रिटिकल यूनिट्स के लिए यहाँ मौजूद है और ये ग्रीन कॉरिडोर का रास्ता यहाँ से लेकर के पूरे जो है 3 थानों के जाप्ते यहाँ पर लगाए गए, जिसके अंदर पूरे ट्रैफिक कंट्रोल्स को मैन्युअली कंट्रोल किया जाएगा। जी बिल्कुल गौरव, तो कुल मिलाकर क्रिटिकल केयर यूनिट एम्बुलेंस भी अब तैनात हो चुकी है, तो अब किसी भी वक्त रामेश्वर ड्यूटी को यहां से ले जाया जा सकता है और मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट एयरलिफ्ट के जरिए किया जाएगा। अभी फिलहाल गौरव, क्या जानकारी आपको डॉक्टर्स के जरिए मिल पाई है? अभी स्टेबिलिटी वाइटल्स में बताई जा रही है रामेश्वर ड्यूटी की, लेकिन किस तरीके से जो ऑपरेशन हुआ था उनके ब्रेन का, उसकी वजह से क्या कुछ हालत में सुधार हुआ है, क्या जानकारी इसे लेकर? ब्रेन हैमरेज का उपचार करने के बाद जो है कोमा की स्थिति जो बन गई थी उसके अंदर ऐसा कहा गया है कि ब्रेन में ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से कुछ ऐसा देखा गया कि ये चीज़ अभी स्टेबिलिटी में नहीं आ रही है और वो कोमा में पाए जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स और चिकित्सक अपनी पूरी जो है पूरा जो है ध्यान देकर के इसमें लगे हुए हैं और जल्द ही जो है इन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। यहाँ से ग्रीन कॉरिडोर बनाने की पूरी जो कवायद है वो शुरू की जा चुकी है। 3 थानों के जो जाते हैं वो इसके अंदर पूरे प्रोसेस में लगेंगे, जहाँ 15 मिनट की दूरी को 4 मिनट में कवर किया जाएगा। और ऐसे में कुछ आला अधिकारी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारियों में प्रशासन लगा हुआ है। सर, किस तरह की अभी मैडम अभी ट्रैफिक का और विभिन्न थानों का जाप्ता लगाकर ग्रीन कॉरिडोर हम बना रहे हैं और नीचे एम्बुलेंस से जो है एयरपोर्ट तक ले जाया जाएगा, वहाँ से एयर एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट करके मेदांता हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। जैसा कि हमने अधिकारियों से जानकारी दी है कि अभी पूरी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।